हमने बेटा हम कर रहे थे मेंडल का। अभिनव आपने चाहे नहीं भी किया हुआ, फिर भी हमने 10th में किया हुआ है ये थोड़ा बहुत, राइट? तो कुछ बिल्कुल कुछ तो समझ में आएगा ही, राइट? तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, मेंडल परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स विद टू जीन्स, राइट? तो इसका टॉपिक आ जाता है बच्चे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। ये हमने सारे क्रॉसेस किए हैं, बट फिर भी एक बार दोबारा से हम बताएंगे कि मेंडल ने क्या किया। मेंडल देन स्टडीड टू करेक्टर्स साइमल्टेनियसली, सच सीड शेप एंड सीड कलर। ये तो और भी बहुत सारे, बट ये दो ले लिए, ठीक है? द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ दीज टू करेक्टर्स, करेक्टर है सीड शेप सीड कलर, इनकी जो फॉर्म्स है। भव्य पहले ध्यान से इधर देख, छोड़ दे कॉपी, इधर देख और वीडियो ऑन ही रखना। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का मतलब है जो ऑपोजिट ट्रेट्स थी, या दो अलग अलग ट्रेट्स थी, एक ही करेक्टर थी। मैं अभी बताती हूँ। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ दीज करेक्टर्स आर, बिल्कुल ध्यान से पेन नीचे, क्या क्या है? राउंड शेप एंड येलो कलर, और दूसरी इसकी इससे अलग जो है वो राउंड एंड येलो सीड्स, दूसरे है रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स, ठीक है? उसने क्या किया, सबसे पहले उसने अगेन स्टेप वन, उसने प्लांट्स विद राउंड एंड येलो सीड्स इनको क्या किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्टेड। इनकी क्या की, इनकी सेल्फ पॉलिनेशन, अपने पोलन अपने ही स्टिग्मा पे, एक फ्लावर के पोलन लिए उसी के स्टिग्मा पे डस्ट कर दिए, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें उसको मेनी जो सीड्स मिले उनको ग्रो किया, मेनी राउंड एंड येलो सीड्स या मेनी प्लांट्स विद राउंड एंड येलो सीड्स, जो उसको प्रोजनी मिली, इन प्रोजनी, प्रोजनी का मतलब है अगली जेनरेशन, बच्चे जो है, एंड few plants with you know wrinkled and green seeds, ये भी मिले। इसका मतलब ये हेट्रोजाइगस था, ये प्योर नहीं था, इसमें ये वाले करेक्टर्स भी मिक्स थे, बट क्योंकि ये दोनों करेक्टर्स डोमिनेंट है इसलिए ये एक्सप्रेस करके ये मिले। फिर इसने इनकी सेल्फिंग फॉर मैनी जेनरेशंस, बहुत जेनरेशंस तक सेल्फिंग करता गया टिल ऑल प्रोजेनी
bears round and yellow seed. So pure, this is pure for round seeds and yellow colored seeds, right? This step two. Hybridization. दो प्लांट्स की इंटरब्रीडिंग करवाना. कौन कौन से प्लांट्स विद राउंड एंड येलो सीड्स इनटू रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स. इनकी इसने क्या की, ये मेल प्लांट ले लिया, ये फीमेल प्लांट ले लिया. ये प्योर लिया जिसमें दोनों एलील सेम थी. अभिनव इतना तो आपने जो लेक्चर्स अटेंड किए होंगे उससे समझ आ गया, यस और नो? यस यस सर. ठीक है ना. तो इससे जब गैमेट्स बने तो ये आया ये वाला, और इसके गैमेट्स बने तो ये आ गए. और जब फ्यूजन हुई, फर्टिलाइजेशन, तो आर आर वाई वन. बट यू नो दिस कैपिटल आर इज डोमिनेटिंग ओवर दिस स्मॉल आर, वाई इज डोमिनेटिंग ओवर स्मॉल वाई. दिस इज फॉर राउंड, दिस इज फॉर रिंकल, दिस इज फॉर येलो, दिस इज फॉर ग्रीन. But round and yellow are dominating. So all round and yellow. This is in F1 generation is first filial generation. ठीक है, इसको हम कहते हैं first filial generation. उसके बाद आ जाता है step 3. स्टेप थ्री में क्या हुआ बच्चे, सेल्फिंग ऑफ F1 राउंड एंड येलो, इसको क्रॉस किया इससे. हां जी बेटा शिवांशी, मुझे बताओ इसके कौन से गैमेट्स बने बेटा. यस शिवांशी. हां जी मैम, फोर बने अलग. कौन कौन से मैम? कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर. फिर यहाँ पे अच्छा नहीं, पहले फर्स्ट गैमेट बताओ कौन सा बनेगा. कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, कैपिटल वाई. These four gametes are formed by male and same four gametes are formed by female also. Right? पहले ये लिखो फिर पुनर्स क्या बनाते. अब देखो बेटा इसका हमने क्या बनाना है. This is पुनर्स क्या. यहाँ पे हम मेल गैमेट्स के टाइप लेते हैं, यहाँ पे फीमेल.
ये देखिए, ये अगर हम मेल ले रहे हैं तो ये गैमीट्स है, और सेम ही फीमेल में, या फीमेल में भी यही गैमीट्स होंगे, तो हम ये गैमीट्स ले लिए, इधर से ये ले लिए, अब हमने ये कैसे करना है। अभिनंदन, ये तुम्हें स्पेशली बता रही हूँ, बाकियों को तो सबको पता ही है कि इसको अगर इससे फ्यूज हुआ तो ये बना, ये बना, ये अगर इससे फ्यूज हुआ, इफ दिस फ्यूजेस विद दिस, ये वाला इससे, हमेशा R के साथ R, Y के साथ Y लिखना है, ऐसा नहीं कि Y कहीं और R कहीं और, ऐसा नहीं, ठीक है। ये अगर इससे फ्यूज हुआ, चलो बनाओ कंप्लीट फुलेट स्केयर, बनाओ फटाफट से, जहां पर एक भी, देख लो ध्यान से देखो, अगर ये कहीं पे भी ये आ जाए या ये आ जाए, इट इज फॉर राउंड, बट अगर ये वाला है तो रिंकल, दोनों वाई अलग है, वाई अपना चाहे इसके साथ है बट एक्सप्रेशन उसका अलग है, वाई है येलो, ये वाला आ जाए तब भी येलो, बट अगर स्मॉल वाई आ जाए तो ग्रीन, ठीक है। तो अब मुझे इनके फिनोटाइप भी बताओ, जल्दी से लिखो साथ में, नीचे लिखते जाना, जैसे ये है राउंड एंड येलो, दिस इज राउंड एंड येलो, दिस इज राउंड एंड ग्रीन, दिस इज रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है, करो अभी। तो जब आप करोगे, हाँ जी भव्य आप बताओ, राउंड एंड येलो कितने आए आपके? आपको पता नहीं चला कैसे करना है? मैम ये तो मैंने सारा टेबल तो मैंने, और क्या करना है? अब देखो राउंड एंड येलो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, 9 है राउंड एंड येलो। अब बता कितने हैं राउंड एंड ग्रीन, काउंट कर बेटा भव्य, एक ये है राउंड एंड ग्रीन, दूसरा ये है, तीसरा कहाँ है, पांच, मुझे तीन ही नजर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। अर्नब रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं बेटा, कोई करना, बेटा देखो रिंकल्ड एंड येलो, 1, 2 and 3, ये तीन नजर आ रहे हैं, तो इट इज 3, और रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो 9:3:3:1, ये है F2 रेशियो, सेकेंड फिलियल जनरेशन की रेशियो है 9:3:3:1। हमने इनिशियल पेरेंट्स कौन से लिए थे, चलिए गुड अर्शप्रीत, वेरी गुड बच्चे, तो हमने जो है पेरेंट्स कौन से लिए थे, हमने इनिशियल पेरेंट्स लिए थे राउंड येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये पेरेंट्स लिए थे, ठीक है। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कौन से है, कॉम्बिनेशंस आर राउंड येलो और दूसरा है
रिंकल्ड ग्रीन। बट हमारे पास कुछ नए कॉम्बिनेशन होंगे, इधर देख, लिखना नहीं बच्चे, तभी फिर समझ नहीं आएगी, कुछ नहीं करना बाद में, ठीक है। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ये थे, ठीक है। अब हमारे पास कुछ नए कॉम्बिनेशन भी आए हैं राउंड के साथ, नहीं तो राउंड एंड येलो हमने लिया था, अब राउंड के साथ ग्रीन भी है, रिंकल्ड के साथ येलो भी है। तो रिकॉम्बिनेशंस आर राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, ये न्यू कॉम्बिनेशन है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये न्यू कॉम्बिनेशन है। अब क्या है बेटा, अब देखो ये कैसे बने, हमें तो पता है, मेंडल को नहीं पता था, क्योंकि मेंडल को तो जीन्स क्रोमोसोम्स कुछ भी नहीं पता थे, ये सेल है, जब स्पिंडल बना तो ये क्रोमोसोम्स इस तरह से स्पिंडल पे अटैच थे। हो सकता है यहां पे कैपिटल आर, यहां पे स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई है। तो जब ये क्रोमोसोम्स इस पोल पे, ये इधर गए, तो कौन से गैमेट्स बने, आर वाई और ये बने। बट कुछ और सेल्स में, मियोसिस तो बहुत सेल्स में हो रही है, तभी तो बहुत सारे मेल गैमेट्स, बहुत सारे फीमेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो किसी और सेल में ये जो अरेंजमेंट था, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, यहां पे स्मॉल वाई, इधर कैपिटल वाई, ये भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पे कौन से गैमेट्स बने, ये वाले गैमेट्स बने। इसका क्या मतलब है कि इन दो क्रोमोसोम्स की सेपरेशन, इन दो क्रोमोसोम्स की सेपरेशन से अलग है, जरूरी नहीं कि हमेशा कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जाएगा, ऐसा नहीं है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है, बिकॉज दीज आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। हर कोई जो है, अब आप ये कह सकते हो टू पेयर्स ऑफ शूज है, एक रेड शूज है, एक वाइट शू है, जब हमने कहा है इन पेयर ऑफ शूज को अलग अलग कर दो, तो हो सकता है कोई आपके सामने, आपने तो एक कह दिया कि इन पेयर ऑफ शूज को अलग अलग कर दो, ब्लैक का एक शू एक तरफ दूसरी तरफ, तो हो सकता है एक तरफ ब्लैक का जो है राइट शू जाए और जो ब्राउन है उसका लेफ्ट शू चला जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो दीज आर द प्रोबेबल, क्योंकि दोनों की सेपरेशन अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। स्पिंडल पे कैसा अरेंजमेंट होता है, इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा गैमेट बनेगा। तो इसलिए फ्रॉम डायहाइब्रिड, अब ये कौन सा क्रॉस था, दिस इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स मींस डायहाइब्रिड क्रॉस। तो एफ टू रेशियो in diahybrid cross shows या proposed a law called as law of independent assortment, ठीक है, पहले ध्यान से सुनो। In this diahybrid cross Mendel obtained parental and new combinations, recombinants हम कह सकते हैं, new combinations in F2
two generations. And he proposed law of independent assortment. According to which the two factors controlling different characters separate independently during gamete formation. Gamete formation में जो दो factors है R and Y जो different characters को control कर रहे हैं वो एक दूसरे से independent है. That is why अगर ये हो कि हमेशा कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ही जाना है, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई ही जाना है, तो क्या होगा? तो इसका मतलब है सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशंस मिलेंगे हमें, रिकॉम्बिनेंट्स कभी भी नहीं मिलेंगे. तो रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि दो फैक्टर्स जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे सेपरेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अदर फैक्टर्स. During gamete formation, this is called as law of independent assortment. कर लो पहले ये. अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे जरा? कि यहाँ पे अगर हम देखें कि round कितने हैं? राउंड सीड कितने हैं? 9 and 3, 12. 12 out of 16. 4. इतने ही है ना राउंड, इतने ही है ना. अभी हम पहले गेम करें. यस मैम. उसके बाद येलो कितने हैं? थ्री एंड वन फोर. ये आप ऐसे ही करो, 12 and 4. तो राउंड, मैम 4 कैसे? येलो भी कितने हो जाएंगे? 12 भी हो जाएंगे ना. यस मैम. आई एम सॉरी. उसके बाद रिंकल्ड कितने हैं? मैम 4. हाँ. और फिर उसके बाद ग्रीन कितने हैं? मैम 4. इसका मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ एक करैक्टर देखें, शेप देखें, तो राउंड एंड रिंकल्ड. राउंड है 12, रिंकल्ड है 4, रेशियो इज 3:1, जो हमने मोनो हाइब्रिड में की थी. राइट. सो ईच करैक्टर, इसी तरह से अगर आप कलर देखेंगे वो भी 3:1. सो even if we study more than one character at same time, तो क्या हो गया हमें एक से ज्यादा? Even then each character in F2 ratio follows 3:1, that is monohybrid. Monohybrid ratio. ठीक है, हर character को अगर हम individual देखेंगे तो यहां पर भी हर करैक्टर, अगर
या तो 9:3:3:1 क्या है, डाया है इसे, बट अगर इंडिविजुअल देखेंगे तो इट इज फॉलोइंग 3:1 रेशियो, मोनोहाइब्रिड रेशियो, जब हम एक करेक्टर स्टडी करेंगे. यस और नो, समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए इसीलिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था, कि अगर हमने इन 16 में से देखना है कि जीनोटाइप्स ये कितने आ रहे हैं, तो ये हम क्या देखेंगे, 3:1 या 1:2:1. तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसकी रेशियो हम क्या लेते हैं, बोल मैम. बेटा इसको हम क्या लेते हैं, इस जीनोटाइप के कितने ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर होंगे, तो हम इसको क्या लेते हैं, 2/4, और इसको हम लेंगे 1/4, तो 2/16. चेक करके देख लेना जल्दी से. भव्य इसकी बताओ बेटा, हाँ जी भव्य, ये बताओ कितने ऑफस्प्रिंग्स होंगे जल्दी से. 1/16, क्योंकि स्मॉल आर, स्मॉल आर 1/4, दिस इज आल्सो 1/4, 1/16. जल्दी से सरगम इसकी. So, ma'am, 1/16. Yes, homozygous है, दोनों सेम है, 1/4. 1/4, 1/16. अभिनंदन अगर इसका समझ में आया तो बोलो. जब दोनों अलग है, हेट्रोजाइगस है तो 2/4, जब होमोजाइगस है तो 1/4. अभिनव. Yes, ma'am. 2/16. It is. ये 1/4 into 2/4. 2/16. Very good. Arnav, this one. It is 2/4 into 2/4. Very good. 4/16. Check karoge, to yehi aayega. Is it right? So, this is diahybrid cross. And diahybrid cross se, Mendel ne kya diya? That is your law of independent assortment. So, Mendel ne 3 laws diye. Law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. But isme se law of dominance is not universal, whereas law of segregation, law of independent assortment is, you know, it is universal. So likho zara ek point likhiye. Law of, star dal ke likho. Law of independent assortment is universal for any two genes present on different chromosomes. Law of independent assortment is applicable for any two genes present on different chromosomes. ठीक है जी. Next आ जाइए बेटा, chromosomal theory of inheritance. Next topic आ जाता है बच्चे.
बेटा मैंने आपको ये भी बताया था कि मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क इन 1865 बट वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड. रीजंस मैंने आपको बताए थे कि पहली बार तो उसने किसी और प्लांट पे सेम एक्सपेरिमेंट्स किए, ही डिड नॉट गेट द सेम रिजल्ट. सेकेंड पॉइंट है मतलब ड्यू टू विच ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट. सेकेंड है कि उसने इतने अननोन जर्नल में पब्लिश किया था कि उसको ज्यादा लोग पढ़ते ही नहीं थे. तीसरी बात है कि उस टाइम डार्विन का बोलबाला था. डार्विन ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एवोल्यूशन की, तो लोग उस पर बहुत काम कर रहे थे, उसको पढ़ रहे थे, इसलिए उसी टाइम पे मेंडल ने दिया. एंड मे बी ये कहा जाता है कि शायद डार्विन ने मेंडल का काम पढ़ा होगा बट उसने बहुत ज्यादा उसको अहमियत नहीं दी या उसको इग्नोर किया या संभव उसने पढ़ा ही नहीं. क्योंकि अगर डार्विन और मेंडल इकट्ठे मिलकर काम करते तो थ्योरी जो डार्विन की थ्योरी भी बहुत रिफाइन होती और मेंडल का भी आगे बहुत ज्यादा नाम भी होता. बट एनी हाउ कि वो ही वॉज नॉट रिकॉग्नाइज एंड डाइड इन 1884 without knowing his contributions in genetics. But later on 1900 में तीन और साइंटिस्ट आए. कौन कौन से साइंटिस्ट थे जल्दी से बताओ. मैंने बताया बेटा जल्दी से. यस मैम. हाँ कार्ल कॉरेंस ट्रेशमार्क एंड ह्यूगो डी वरीज. ठीक है, तीन अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने वो भी जेनेटिक्स पे काम कर रहे थे और उनको भी वही रिजल्ट्स मिले जो मेंडल को मिले थे. एंड दे कम अक्रॉस द वर्क ऑफ मेंडल. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया ये मैंने पहले बता चुकी हूँ. दे पब्लिश्ड देयर वर्क इन द नेम ऑफ मेंडल. उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने ये काम किया है, उन्होंने कहा कि हमें ये रिजल्ट्स मिले हैं जो मेंडल को भी मिले थे. एंड कार्ल कॉरेंस वॉर द पर्सन. मेंडल ने लॉज नहीं दिए थे. पहली बात तो ये सुनो, मेंडल ने हमका ये एक्सपेरिमेंट हुआ, ये मुझे ऑब्जर्वेशन मैंने किया और इसका ये कंक्लूजन. बट द वर्क ऑफ मेंडल वॉज यू नो given the form of laws by Karl Korans. Is it right? ठीक है, तो ये था. उसके बाद जी कि भी मेंडल did not know, उसकी observation बहुत strong थी. ये देखो did not know about genes, एलील और मियोसिस. ठीक है जी, ही नेम जीन पता नहीं था उसको एज फैक्टर्स. उसने जीन्स को क्या नाम दिया था, फैक्टर्स दिया था. ठीक है, पहले ये लिखो फिर मैं आगे बताती हूँ. मैम जो मेंडल ने अपने लॉज दिए थे उसको डार्विन ने पढ़ा था या डार्विन ने मेंडल को. ठीक है बेटा, तो हम जो है अब दोबारा से एक बार कहेंगे कि भाई क्यों नहीं मेंडल का काम जो है सक्सेसफुल हुआ या मेंडल का उस टाइम उसको क्यों नहीं फेम मिला. तो पहला पॉइंट लिखो, मेंडल was not recognized because first है mm-hmm.
लेस कम्युनिकेशन क्योंकि बहुत ज्यादा मीडिया नहीं था. सेकेंड पॉइंट आ जाइए, हिज कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स और जीन्स. हिज कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स और जीन्स एंड देयर ऑल्टरनेट फॉर्म्स. और देयर ऑल्टरनेट फॉर्म्स एज स्टेबल यूनिट्स. As stable units which control the expression of traits comma करके या full comma करके further non-blending of alternate traits. मतलब ऐसा नहीं कि capital tall है, मतलब एक plant में tall है और dwarf की दोनों के factors है तो दोनों blend कर देंगे, intermediate height होगी. Mendel को ऐसा नहीं मिला था. comma करके further non-blending of the contrasting traits was not accepted. क्योंकि उस टाइम किसी को भी नहीं पता था कि जीन्स है क्या नहीं. उसने कहा फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स की अल्टरनेट फॉर्म्स होती है, वो अल्टरनेट फॉर्म्स अलग अलग रहती है, एक दूसरे से ब्लेंड नहीं करती है. ये तीन चीजें, ये बहुत बोल्ड चीजें थी क्योंकि उस टाइम किसी को नहीं पता था. ठीक है, वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्परेरीज. कंटेम्परेरीज मीन्स जो उस टाइम वैसा काम करते थे. Was not accepted by his contemporaries. contemporaries as the explanation for continuous variations in the nature. उसने कहा हर करैक्टर को जीन कंट्रोल करती है, चाहे फैक्टर कंट्रोल करता है. हर फैक्टर की दो अल्टरनेट फॉर्म्स है, दोनों ब्लेंड नहीं करती है, बट दे गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग यू नो गैमेट फॉर्मेशन. मैम बाय हिज कंटेम्परेरीज के आगे क्या है? बाय हिज कंटेम्परेरीज एज द एक्सप्लेनेशन फॉर continuous variations seen in nature. third point hai you mathematical analysis of the biological data. mathematical analysis of the biological phenomena was totally new. नहीं तो लोग वही बायो की बायो में पड़े हुए या मैथ के मैथ में पड़े हुए हैं. and was not accepted by many biologists specifically. many biologists at that time. and fourth point है. एक बार थर्ड पॉइंट रिपीट करना. थर्ड पॉइंट है बेटा मेंडल्स या यूज ऑफ मैथमेटिकल, पता नहीं है मुझे मैंने क्या बोला है, मैथमेटिकल बायोलॉजिकल फिनोमेना. हाँ, बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज टोटली न्यू एंड वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय biologist of his time. वो कहते हैं मैथ्स क्यों बीच में डाल रहा है, दिख रहा है जो वो देख. चौथा फोर्थ पॉइंट क्या था कि मेंडल ने कहा फैक्टर्स है, हर प्लांट के अंदर कुछ फैक्टर्स है जो करैक्टर को कंट्रोल करते हैं,
बट उसको कोई दिखता तो था नहीं, फैक्टर्स तो उसकी थ्योरेटिकल थी बात, ठीक है। ऑल्दो बाद में जब माइक्रोस्कोप्स आ गए, कुछ आ गए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, जब क्रोमोसोम्स दिखे, जीन्स दिखी, तब तो ठीक है, बट उस टाइम तो वो कुछ नहीं ना दिखा पाया, वो सिर्फ एक्सप्रेशन था, तो वो भी लोगों ने नहीं माना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में कर लीजिए, मेंडल बाय हिज वर्क सजेस्टेड, मेंडल बाय हिज वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स आर डिस्क्रीट यूनिट्स, क्लियर यूनिट्स है ये, फैक्टर्स आर डिस्क्रीट मतलब क्लियर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। वो कहते इतने डिस्क्रीट है तो दिखा कहां पे है, बट ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ, फिजिकल प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, और could not find the chemical composition of factor, क्योंकि उस टाइम डीएनए भी नहीं पता था, and could not find out the chemical composition of the factors. ठीक है जी, ये हुआ। उसके बाद 1900 तक बहुत एडवांसमेंट हो गई थी, ठीक है। तो मेंडल रिजल्ट मतलब रीडिस्कवर हुए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पैराग्राफ में करना। मैम एक बार फिजिकल प्रूफ के बाद बोल दो, फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स और या एंड could not find the chemical composition of the factors. Next आ जाइए बेटे, next paragraph में, by the advancements in microscopy, ये थोड़ा सा theoretical part है, by the advancements in microscopy, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया और थोड़े से ज्यादा लेंसेज आ गए, माइक्रोस्कोपी कॉमा साइंटिस्ट्स वर एबल टू ऑब्जर्व सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में आपको डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स दिखते हैं। साइंटिस्ट्स वर एबल टू ऑब्जर्व सेल डिवीजन, माइक्रोस्कोपी के आगे फिर से बोलना, बाय द एडवांसमेंट्स इन माइक्रोस्कोपी कॉमा साइंटिस्ट्स वर एबल टू ऑब्जर्व सेल डिवीजन। एंड दस वर एबल टू सी मेटाफिजिक क्रोमोसोम्स, मेटाफिजिक क्रोमोसोम्स। एबल टू सी मेटाफिजिक, मेटाफेज में जो डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स होते हैं, मेटाफिजिक क्रोमोसोम्स। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए। जब क्रोमोसोम्स दिखे, ठीक है, तो इसी में ही मतलब फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट आ जाइए, ये माइक्रोस्कोपी के कारण हुआ है। सेकंड आ जाइए, बाय 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस had been worked out. Second point, by 1902, the movement of chromosomes
ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट कि कैसे मूव करते हैं. थर्ड पॉइंट जो हमने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक लिखा था वो आ गया है सटन एंड बोवरी. थर्ड पॉइंट है सटन एस यू सटन एंड बोवरी. ऑब्जर्व्ड दैट ऑब्जर्व्ड दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स behavior of chromosomes were parallel to the behavior of genes were parallel to the behavior of genes bracket mein kar lo mendelian factors Sutton and Bovary observed that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes and used chromosomal movement to explain Mendel's law and used chromosomal movements during Mendel's law. To explain Chromosomal, अच्छा, and used chromosomal movements to explain Mendel's laws. मैं यूरिनरी लिखना. देख मैं बताती हूँ कि भी कैसे. हाँ, to explain Mendel's law, है ना? कैसे? मैं थोड़ा सा chromosomal movements आपको बता दूँ. कि अगर आपको याद हो सेल साइकिल ये है एम फेज और बाकी का सारा क्या है दैट इज इंटरफेज और preparatory phase. इस preparatory phase में this is G1 phase, S phase, G2 phase. मैं chromosomes का आपको बताऊंगी. G1 में अगर ये न्यूक्लियस है दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस. इस तरह से क्रोमोसोम्स अगर हम मैं आपको कॉइल करके दिखाऊं तो इस तरह का क्रोमोसोम है. एस फेज में एस फेज में क्या होती है रेप्लिकेशन. हर क्रोमोसोम की एक सिस्टर क्रोमेटिड बन जाती है. इसकी एक यहां पे ऐसे दिखती तो नहीं है बट मैं आपको ताकि आपको पता चले इस तरह से ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं.
इस तरह से हर क्रोमोसोम की एक एक अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बन जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर ये छोटे हो जाएं, कॉइल हो, तो हमें ये दो क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये होती है एस फेज में, जी टू में भी सेम केस ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा, जी टू में भी मतलब क्रोमोसोम्स की यही पोजीशन है, बाकी सेल्स में कई चेंजेस आते हैं बट एस फेज एंड जी टू में यही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या है, क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स डिस्टिंक्ट, ये चीज मेटाफेज में दिखेगी आपको। बट अगर हम थोड़ा सा मैं यहाँ पे ठीक करूंगी कि ये इसका इसके जैसा और ये डिप्लॉयड सेल लेना है तो ये यहाँ पे भी हम ठीक करेंगे इसी तरह से। पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, ये दो पेयर, दो पेयर हम छोटे भी बना लेंगे। तो इस तरह से तो मेटाफेज में बेटा मेटाफेज वन की अगर हम बात करें, हमने अभी क्रॉसिंग ओवर ये कुछ नहीं बताया अभी, नहीं ये सिर्फ मैं ये स्पिंडल बन गया जो सिमिलर क्रोमोसोम्स के वो एक दूसरे के पैरेलल आ गए। एनाफेज एनाफेज वन में ये क्रोमोसोम्स अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए। ऐसे पहुंच गए, इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स भी अलग है यहाँ पे है। दिस इज एनाफेज वन। उसके बाद टेलोफेज एंड ऑल दैट, उसके बाद मैं मियोसिस टू बता रही हूँ। ये अलग न्यूक्लियस है, ये अलग न्यूक्लियस है, इसमें भी मियोसिस टू होगी, इसमें भी मियोसिस टू होगी, अलग अलग, हम एक न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। फिर स्पिंडल बना, फिर ऐसे क्रोमोसोम्स, एक ये एक ये, इसकी सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब पेयर्ड नहीं है क्रोमोसोम्स, ये है। अब यहां पे बीच में से सेंट्रोमियर टूटा जिसके कारण ये जो है इस तरह से सेपरेट हो गया। तो अब हमें ऐसे यहां पर भी
तो चार जो गैमेट्स मिले, वन टू थ्री फोर, उसमें जो क्या था, ये इज इट राइट? सो दीज आर द फोर गैमेट्स, दिस इज मियोसिस। ये क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है, मैंने इसलिए दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया, अदरवाइज ये हमने पहले प्लस वन में किया हुआ है। ठीक है, पहले ये ड्रॉ करो, फिर मैं थोड़ा सा इसको क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ड्रॉ इट क्विकली। कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड मेंडेलियन फैक्टर्स। कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड मेंडेलियन फैक्टर्स। कॉलम बनाओ, दो कॉलम्स बनाओ, पहले कॉलम में लिखो क्रोमोसोम्स, दूसरे में मेंडेलियन फैक्टर्स। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की बात हम कह रहे हैं। क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर्स, फर्स्ट लिखिए क्रोमोसोम अकर्स इन पेयर्स। और इसी तरह मेंडल ने क्या कहा कि ईच करैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन पेयर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो मेंडेलियन फैक्टर्स में भी लिखिए अकर इन पेयर्स। मैम टेबल की कौन दो कॉलम कौन से बनाने हैं? पहला करो क्रोमोसोम्स, दूसरा फैक्टर्स, मेंडेलियन फैक्टर्स, दोनों ही अकर इन पेयर्स। यहाँ पे देख रहे हो आप, जो ये फैक्टर्स, जो दो क्रोमोसोम्स है, पेयर्ड क्रोमोसोम्स है, ये गैमीट फॉर्मेशन के दौरान अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, सेग्रीगेट एट द सेकंड पॉइंट लिखिए क्रोमोसोम्स में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। So that you segregate, segregate during gamete formation. So that one gamete has only one chromosome of a pair. और अगर मेंडेलियन फैक्टर्स कहोगे, मेंडेलियन फैक्टर्स में लिख लो, अगर ये है तो गैमीट्स कैसे बनेंगे, एक ये गैमीट बनेगा, एक ये गैमीट बनेगा। एग्जांपल लिख लेना ये, और इसमें मेंडेलियन फैक्टर्स में भी लिखो द टू फैक्टर्स ऑफ ए करैक्टर ऑल्सो गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग during gamete formation, so that each gamete is pure for that factor. प्योर फॉर दैट फैक्टर मतलब या कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा। दिस इज प्योर फॉर टॉलनेस, दिस इज प्योर फॉर डॉर्फनेस। एग्जाम्पल बेटा मेंडेलियन फैक्टर्स के अंदर मैंने बताया, थर्ड आ जाता है। यहाँ पे बेटा क्रोमोसोम्स की ओरिएंटेशन जैसे होगी वैसे सेपरेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी वही है कि इंडिपेंडेंट होमोलोगस पेयर्स, इंडिपेंडेंट वो अलग है ये अलग है, इंडिपेंडेंट पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कर लीजिए, इंडिपेंडेंट पेयर्स लिखना है, ये क्रोमोसोम्स में लिखना है बेटा। थर्ड पॉइंट, इंडिपेंडेंट पेयर्स ऑफ
homologous chromosomes, separate independently from each other. Separate independently from each other during gamete formation. और मेंडल ने भी यही कहा. मेंडल ने क्या कहा? डिफरेंट फैक्टर्स कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली. सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. मेंडल वाला रिपीट कर दो थर्ड पॉइंट. मेंडल ने क्या कहा? According to Mendel also, the factors controlling different characters, separate independently during gamete formation. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है. तो ये आ गए आपके दोनों का कंपैरिजन. तो अब सचिन ने क्या किया? उसने क्रोमोसोम, उसने जो सेल डिवीजन देखी थी और मेंडल के प्रिंसिपल्स उसने पढ़े और उसने उन दोनों को कंबाइन करके एक न्यू थ्योरी दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. नेक्स्ट आ जाइए सचिन, अंडरलाइन कर लेना, ये कई बार आ जाता है. थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल तो सटन बोवरी ने नहीं, सटन एंड बोवरी पहले इनिशियली काम किया बट फिर उनका थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया होगा. उसके बाद अल्टीमेटली सटन ने, झगड़ा हुआ या वट एवर, सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स. मैम ये लाइन रिपीट करना. सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन मीन सेपरेशन, आप सेपरेशन भी लिख सकते हो. क्रोमोसोमल सेपरेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स and called it as chromosomal theory of inheritance. इसको पूरा अंडरलाइन करो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है जी. और उसके बाद फिर एक स्टार डाल के पॉइंट लिखिए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. ये तो उन्होंने थोड़ा सा देखा फिर प्रपोज किया, बट उसके बाद एक्सपेरिमेंट किसने किए? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज प्रोवाइडेड बाय थॉमस हंट मॉर्गन. ये तीन अलग नहीं है, एक ही नाम है, टीएच मॉर्गन हम कह देते हैं. Experimental proof of chromosomal theory of inheritance was provided by T.H. Mort. Is it okay? ठीक है जी. तो कल नहीं, हम कल नहीं ले लेते हैं, but we will have class at 11 o'clock, not at 10:30. 11 to 12 हम class लेंगे बेटा, ठीक है, tomorrow. And फिर हम ये करते हैं कि T.H. Morgan ने क्या experiments किए. Okay? ठीक है जी. ओके बेटा, बाय बाय.